चुपचाप फ्रैंकलिन भैया तो उठ ही नहीं रहे। फ्रैंकलिन भैया को कैसे उठाया जाए, काफी देर हो गई है। फ्रैंकलिन भैया उठो प्लीज। फ्रैंकलिन भैया ये जो अब हमारी मदद कर सकते हैं, वरना ये सिटी तो तबाह हो जाएगी। अरे तुम सारे कुछ सोचो, प्लीज सोचो फ्रैंकलिन भैया को कैसे उठाया जाए। अले चौप, मुझे तो लगता है फ्रैंकलिन भैया अब नहीं उठने वाला है। जैसा टीवी में दिखाया जा रहा है, स्किबिडी टॉयलेट हमारे घर के अंदर भी आ जाएंगे। बुढ़ी माँ अब तो हम नहीं बचने वाला है। मुझे लगता है ना तीन तैन तुम्हें ही दाना पड़ेगा। फ्रैंकलिन भैया इतने नहीं उठने वाले। मैं भी काफी ज्यादा कोशिश कर चुका हूँ गाइस, लेकिन फ्रैंकलिन भैया तो उठ ही नहीं ले। और एक सिंचैन है जो उन्हें उठा सकता है, क्योंकि सिंचैन को पता है फ्रैंकलिन भैया को कैसे उठाना है। तो गाइस मुझे लगता है ना फिर अपना पुराना तरीका अपनाना पड़ेगा फ्रैंकलिन भैया को उठाने के लिए। मुझे लगता है ना फ्रैंकलिन भैया के कान के पास जाकर बोलना पड़ेगा कि फ्रैंकलिन भैया उठो, फ्रैंकलिन भैया उठो प्लीज फ्रैंकलिन भैया। अरे क्या सुबह सुबह शोर मचा कर रखा है तुम लोगों ने, ये क्या पूरी की पूरी पलटनी मेरे कमरे के अंदर आई हुई है। सिंचैन, चौप, पॉप, राजू और जग्गू ये पांचों क्या कर रहे हैं? अरे हो क्या गया तुम लोगों को? फ्रैंकलिन भैया आपको पता नहीं है पूरे शहर के अंदर स्किबिडी टॉयलेट घुसाए हैं, और ये स्किबिडी टॉयलेट हर किसी को मार रहे हैं। लगता है अब भी हम बचने नहीं वाले, सारे के सारे मारे जाएंगे। फ्रैंकलिन भैया आप ही हमें बता सकते हो इन स्किबिडी टॉयलेट से वो तो कितने ज्यादा खतरनाक और खौफनाक है। मुझे लगता है ना गाइस लोग ये मेरे साथ मजाक कर रहे हैं सुबह सुबह। मुझे लगता है तुम लोग रात को बैठ के जो ऐसी वैसी चीजें देखते रहते हो इसी वजह से तुम लोगों को डर लग रहा है। फ्रैंकलिन भैया हम लोग सच बोल रहे हैं, अगर आपको यकीन नहीं आता तो टीवी पर न्यूज चला कर देख लें। ओके तो ऐसी बात है, अगर ये सच में हो ना तो फिर तो बहुत बड़ी आफत आने वाली है सिटी के अंदर। हाँ मुझे जाकर देखना पड़ेगा। ओके तुम सब लोग ना मेरे पीछे आ जाओ। हाँ मुझे जाकर ना टीवी चला कर देखना पड़ेगा कि कौन सी न्यूज आ रही है। ओके मैं आ चुका हूँ, जल्दी से ना मुझे अब टीवी को ऑन करना पड़ेगा। सारे लोग पीछे होकर बैठ जाओ। चिंता की बात तो ये है कि सिटी के अंदर स्किबिडी टॉयलेट बड़ी तेजी से फैल रहे हैं। शहर में जितने भी लोग थे वो सारे डर कर छुप चुके हैं। अभी तक तो कोई सुपर हीरो मदद के लिए नहीं आया। ये स्किबिडी टॉयलेट काफी ज्यादा खतरनाक है, इनके पास कोई भी जाएगा तो ये उनको कच्चा चबा जाएंगे। सब लोगों से ये विनती की जाती है कि वो घर के अंदर रहे, स्टे होम स्टे सेफ। गाइस सिंचैन तो बिल्कुल सही कह रहा था। अरे तुम लोगों ने पहले क्यों नहीं बताया? फ्रैंकलिन भैया हम तो कब से आपको उठा रहे हैं, यही बताने की तो कोशिश कर रहे थे। ओके मुझे लगता है ना अब टोनी है जो हमारी मदद कर सकता है। तुम सब लोगों को मेरे साथ जाना पड़ेगा, जल्दी करो। अबे यार गाइस किसी तरह करके ना स्किबिडी टॉयलेट्स को रोकना पड़ेगा। सिंचैन, चौप, पॉप, राजू और जग्गू जल्दी करो, गाड़ी के अंदर बैठ जाओ। ओके गाइस ये सारे लोग तो गाड़ी के अंदर बैठ चुके हैं, अब सीधा जाना है टोनी के मेंशन के अंदर। फ्रैंकलिन भैया मुझे तो लगता है ना टोनी ने कोई तो हल निकाला ही होगा। नहीं अगर टोनी ने कोई हल निकाला होता तो अब तक तो शहर के अंदर जितने भी स्किबिडी टॉयलेट है वो रुक चुके होते। ये स्किबिडी टॉयलेट आए कहाँ से हमारे शहर के अंदर? गाइस अपने शहर के अंदर तो घुस चुके हैं ये स्किबिडी टॉयलेट। ओके गाड़ी भगा कर तो हम लोग पहुंच चुके हैं टोनी के मेंशन के अंदर। गाइस बस आप लोग प्रे करना कि टोनी अपने मेंशन के अंदर ही हो। भैया आपने तो कॉल ही नहीं की दफा टोनी को। मुझे लगता है ना पहले कॉल कर लेते ताकि पता तो चलता टोनी अपने मेंशन के अंदर है अभी कि नहीं। शहर के अंदर जो सब कुछ चल रहा है ना मुझे लगता है टोनी अपने मेंशन के अंदर ही होगा। जल्दी से गाड़ी को यहीं पर रोकना पड़ेगा, जल्दी से ढूंढते हैं टोनी को। ओके गाइस पूरे मेंशन के अंदर तो ऊपर ढूंढ लिया, लेकिन मुझे लगता है सिंचैन, चौप, पॉप, राजू और जग्गू तो नीचे ही है। ये रहे और टोनी भी ये सामने ही है। गाइस ये टोनी क्या बना रहा है, ये कैसा इंसान है अजीबो गरीब सा। दिख तो ये टोनी जैसा रहा है लेकिन ऊपर इसके सर के ऊपर तो स्पीकर लगा हुआ है। मुझे लगता है टोनी तैयारी कर रहा है स्किबिडी टॉयलेट को भगाने के लिए। गाइस अगर आप लोगों को पता है इसका क्या नाम है तो कमेंट सेक्शन में बता दो जल्दी से। देखते हैं कि कितने लोग सही गेस कर पाते हैं कि ये टोनी स्टार क्या बना रहा है। टोनी मुझे समझ नहीं आ रही है क्या बना रहा है, और शहर के अंदर तुझे पता तो है ना कितनी बड़ी आफत आ चुकी है। फ्रैंकलिन उसी आफत से निपटने के लिए मैंने ये बनाया है, इसका नाम है स्पीकर आयरन मैन। मैंने बड़ी मुश्किल से ये स्पीकर आयरन मैन का सूट तैयार किया है, और यही है जो स्किबिडी टॉयलेट को रोक सकता है। पर तुम्हें स्पीकर आयरन मैन के सूट को अपग्रेड करना पड़ेगा ताकि तुम उस 5 एडिट स्किबिडी टॉयलेट को मार सको। इस शहर में सबसे खतरनाक स्किबिडी टॉयलेट तो वही है। फ्रैंकलिन थैंक गॉड कि तुम खुद ही आ गए, वरना मैं ये सूट लेकर तुम्हारे पास ही आने वाला था। अब तुम्हें ये सूट पहनना है क्योंकि ये सूट काफी ज्यादा पावरफुल है, और तुम्हें स्पीकर आयरन मैन के ऑनलाइन स्टोर से बाकी सूट भी बाय करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर मैं उन्हें बनाने बैठ गया तो काफी ज्यादा देरी हो जाएगी। बाकी सूट तुम्हें ऑनलाइन ही बाय करके लाने हैं और इस सूट को अपग्रेड करना है। गाइस यानी कि ये खतरनाक काम भी अब मुझे ही करना पड़ेगा। अरे ये बाकी सुपर हीरो कहां पर गए हैं टोनी? फ्रैंकलिन भैया आपके तो मजे आ गए, नए नए सूट। फ्रैंकलिन भैया को देखना चौप, ये स्पीकर आयरन मैन का नया सूट दे रहा है टोनी। ओह पत्नी अपने नसीब
जीप कब खुलेंगे? हम भी एक दफा सूट तो जरूर पहनेंगे टोनी भैया को बोलकर। सेंचर और चोप, अगर तुम दोनों चाहते हो तो तुम दोनों पहन सकते हो ये सूट। नहीं फ्रैंकलिन भैया, आपका बोला गया तो आप ही पहनो। फ्रैंकलिन, ये सेंचर और चोप सूट को हाथ भी नहीं लगा सकते क्योंकि ये सूट सिर्फ तुम्हारे लिए डिजाइन किया है। फ्रैंकलिन, पहले तो ये तुम्हारी आइडेंटिफिकेशन करेगा, उसके बाद ही तुम इस सूट के होस्ट बन पाओगे। मुझे लगता है देरी नहीं करनी चाहिए, तुम्हें जल्दी से ये सूट पहन लेना चाहिए। ओके ठीक है टोनी, मैं ये सूट पहन लेता हूँ। तो गाइस आप लोग रेडी हो, जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं इस सूट को पहनने लगा हूँ। फाइनली मैंने इस सूट को पहन लिया है और गाइस आप लोग देख सकते हो मेरे सर की जगह स्पीकर लगा हुआ है। गाइस मुझे लग रहा है इस सूट के अंदर पावर तो होनी चाहिए, ये तो मुझे जाकर ही पता चलेगा। सेंचन, चोप, राजू और जगू तुम लोग यहीं पर रुको, हब्स की बीडी टॉयलेट नहीं बचने वाले, अब मैं जाकर उन लोगों को बताऊंगा। ठीक है टोनी, अब मैं जाने वाला हूँ। तुमने ये सूट तो पहन लिया है लेकिन हो सकता है वो उसकी बीडी टॉयलेट काफी ज्यादा पावरफुल हो, तुम्हें अपने सूट को अपग्रेड करना पड़ेगा। अब मुझे लगता है गाइस मुझे स्पीकर आयरन मैन के और भी सूट बाय करने पड़ेंगे, तो भाग 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 फ्रैंकलिन। गाइस शिट यार, हम लोग तो भूल ही गए टोनी हमारी तरफ ही आने वाला था, क्योंकि जब भी मुसीबत पड़ती है सारे सुपर हीरो मेरी तरफ ही भागते हैं। वैसे गलती तो मैंने ये की, मुझे टोनी को कॉल करनी चाहिए थी, लेकिन कोई नहीं, हम लोगों को तो ये सूट मिल चुका है तो भागना पड़ेगा अब। फाइनली गाइस भाग कर तो मैं आ चुका हूँ सिटी की तरफ। ये लोग क्यों भाग रहे हैं, इन लोगों को हो क्या गया है? अरे बताओ तो सही, तुम लोग भाग क्यों रहे हो? अरे स्किबिडी टॉयलेट वो हमें मार डालेगा, उसने कुछ लोगों को पकड़ के रखा है। गाइस ये तो कह रहे स्किबिडी टॉयलेट कौन सी जगह पर होने वाला है, मुझे जाकर देखना पड़ेगा। मुझे लगता है इसी साइड पर है क्योंकि वो सारे वहीं से भाग कर आए हैं। बाप रे गाइस, ये मैं क्या देख रहा हूँ, इतने सारे स्किबिडी टॉयलेट, और ये तो सेंचन के स्कूल का प्रिंसिपल नहीं है क्या? गाइस कमेंट में बताओ, ये तो सेंचन के स्कूल का प्रिंसिपल है ना, और ये सब लोग तो मुसीबत में है। मुझे लगता है ना सबसे पहले ये टारगेट इन स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर को बनाने वाले है। मुझे स्किबिडी टॉयलेट को रोकना पड़ेगा किसी तरह करके। अब हमारी भूख इन लोगों से ही मिटेगी, शहर के अंदर स्किबिडी टॉयलेट फैल चुके हैं, इतनी आसानी से तो तुम लोगों का जाने नहीं देने वाले हम लोग। देखो हमें छोड़ दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है स्किबिडी टॉयलेट, जो तुम बोलोगे हम वो करने के लिए तैयार है, पर हमें छोड़ दो। ओके मैं आ चुका हूँ, स्पीकर आयरन मैन तुम लोगों का छोड़ेगा नहीं। गाइस एक एक करके इन लोगों को सबक सिखाना पड़ेगा, क्या ही खतरनाक तरीके से मैं मार रहा हूँ इन्हें। ये गया गाइस दूसरा, और ये देखो तीसरे को। गाइस ये स्पीकर से तो काफी खतरनाक किस्म की ना लाइटनिंग निकल रही है, और ये लोग बचेंगे नहीं, सारे के सारे मार डाले मैंने। फाइनली तुम लोग बच चुके हो, क्योंकि अब शहर के अंदर स्किबिडी टॉयलेट है तो तुम लोग घर के अंदर ही रहो, अब स्पीकर आयरन मैन उन्हें सबक सिखाएगा, स्पीकर आयरन मैन उन्हें छोड़ेगा नहीं। थैंक यू सो मच, तुमने हमारी जान बचाई, हम अपने स्कूल के अंदर जरूर बताएंगे कि एक स्पीकर आयरन मैन था जो काफी ज्यादा पावरफुल था। मुझे लगता है तुम्हारी मदद करनी चाहिए, मैं तुम्हें कुछ इनाम के तौर पर देना चाहता हूँ, ये लो $1,00,000, ये तुम अपने पास रख लो, तुम्हारे जरूर काम आएंगे। ओके गाइस उस प्रिंसिपल ने तो मुझे $1,00,000 दे दिया है और ये लोग जा चुके हैं। हाँ मुझे भी जाना पड़ेगा, स्पीकर आयरन मैन का मुझे नेक्स्ट सूट बाय करना है, तो आप लोग रेडी हो मेरे साथ। ओके इस जगह पर मैं आ चुका हूँ, ये जगह काफी ज्यादा सेफ है, किसी को पता ना चल पाए कि मैं यहाँ पर होकर स्पीकर आयरन मैन का नया सूट बाय कर रहा हूँ। तो गाइस जल्दी से बाय कर लेते हैं। फाइनली गाइस आप लोग देख सकते हो कितना ही ज्यादा अमेजिंग सूट है ये। इस स्पीकर आयरन मैन के सर पर भी काफी खतरनाक स्पीकर लगा हुआ है, लेकिन ये थोड़ा सा अपग्रेडेड सूट है तो मुझे जाना पड़ेगा यहाँ से। गाइस फाइनली मेरे पास पावर आ चुकी है और स्पीकर आयरन मैन कितने अमेजिंग तरीके से फ्लाई कर रहा है। गाइस अब मुझे जाना पड़ेगा फ्लाई करके, एक मिनट फ्लाई करके तो मैं जा रहा हूँ। सामने ये मिलिट्री वाले खड़े हैं, इन्हें हो क्या गया है? लगता है ये लोग भी स्किबिडी टॉयलेट को रोकने के लिए खड़े हैं। मुझे बताओ मैं कैसी मदद कर सकता हूँ तुम लोगों की, ऐसी चीज तो मैंने पहली दफा देखी अपनी लाइफ में। ये क्या, नीचे से तो ये आयरन मैन है लेकिन इसका हेड स्पीकर है, यानी कि स्पीकर आयरन मैन है, यही है जो स्किबिडी टॉयलेट को रोक सकता है, तो मुझे इसे सब कुछ बताना पड़ेगा। मेरी बात कर से सुनो, हमारे लॉस सैंटोस के सबसे बड़े बैंक के अंदर चोरी करने वाले हैं स्किबिडी टॉयलेट, उस बैंक के अंदर जाकर तुम्हें इन्हें रोकना पड़ेगा, क्योंकि स्पीकर आयरन मैन सिर्फ तुम ही जो इन्हें रोक सकते हो, तो हमारी मदद करनी पड़ेगी तुम्हें। तुम रेडी हो ना? ओके मिलिट्री कर्नल,
वाला, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये स्किबिडी टॉयलेट अब बचेंगे नहीं, सारे के सारे मारे जाएंगे। अब मुझे जाना पड़ेगा। वैसे लॉस सैंटोस का सबसे बड़ा बैंक तो मैज बैंक है, लेकिन मैज बैंक की सिक्योरिटी तो काफी ज्यादा टाइट है, मुझे लगता है वो पब्लिक बैंक के अंदर ही घुसे होंगे, तो मुझे जाना पड़ेगा। ओके क्या स्पीड से भाग रहा हूँ मैं, तो गाइस भाग कर तो मैं आ चुका हूँ। मैं कह रहा था ना इसी बैंक के पास होंगे, सामने की तरफ मुझे दो स्किबिडी टॉयलेट नजर आ रहे हैं, और गाइस ये तो काफी अजीबोगरीब से है। जिन्हें मैंने पहले मारा था वो इतने ज्यादा पावरफुल नहीं थे, ये तो काफी ज्यादा पावरफुल नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है ना इन्हें सबक सिखाना पड़ेगा, मेरे पास तो पावर है, क्या ये अमेजिंग तरीके से मैंने खतरनाक लाइट निकाली। और ये दोनों के दोनों मारे जा चुके हैं। अब मुझे जल्दी से अंदर जाना पड़ेगा इस बैंक के। गाइस एक और टकला स्किबिडी टॉयलेट सामने की तरफ खड़ा है, इसे भी मैं मार डालता हूँ। ये भी मारा गया। और गाइस ये मैं क्या देख रहा हूँ, एक सामने की तरफ इस गेट की तरफ है, ये तो मारा गया। एक और आ रहा मुझे मारने के लिए। गाइस इसे मार डाला। अभी कितने स्किबिडी टॉयलेट है इस बैंक के अंदर। गाइस एक सीढ़ियों की तरफ है, इसे भी मार डाला। और फाइनली ये सामने, ये भी मर चुका है, सारे के सारे मारे जा चुके हैं। गाइस मुझे लगता है ना इस बैंक के अंदर पैसे भी होंगे, और ये लॉकर खुल चुका है, तो जल्दी से मुझे पैसे उठा लेने चाहिए, और स्पीकर आयरन मैन के नेक्स्ट सूट में मुझे अपग्रेड जो होना है, तो इन्हीं पैसों की मदद से मैं हो सकता हूँ। वैसे भी ये पैसे अच्छाई के लिए इस्तेमाल होंगे। तो गाइस ये रहे पैसे, इन सारे पैसों को मैंने उठा लिया है, ये तो पूरे $5,00,000 है। तो गाइस आप लोग रेडी हो, मैं स्पीकर आयरन मैन के नेक्स्ट सूट में अपग्रेड होने वाला हूँ। फाइनली गाइस इस सूट पे भी मैं अपग्रेड हो चुका हूँ। और गाइस ये स्पीकर आयरन मैन का कितना ही ज्यादा अमेजिंग सूट है, तो आप लोग देख सकते हो। हम मुझे जाना पड़ेगा गाइस सबसे ज्यादा पावरफुल 5 फैट स्किबिडी टॉयलेट को, जो मुझे मारना है अब। तो जल्दी से इस बैंक से बाहर निकलते हैं। ओके मैं भाग कर तो बाहर आ चुका हूँ, अब देखना पड़ेगा इस सूट के अंदर कितनी पावर है, और मैं क्या ये अमेजिंग तरीके से भागूंगा। मुझे लगता है स्पीकर आयरन मैन के पास काफी खतरनाक पावर होने वाली है, क्योंकि गाइस आप लोग हेड देख सकते हो कितना ही ज्यादा पावरफुल है इसका। और गाइस इसके हेड से जो लाइट निकलती है वो भी काफी ज्यादा पावरफुल होगी, अब स्किबिडी टॉयलेट बचने नहीं वाले। तो गाइस आप लोग अगर मेरे साथ हो तो कमेंट सेक्शन में स्पीकर आयरन मैन ओपी लिख दो जल्दी से। ओके मैं जा तो रहा हूँ, एक मिनट, अब ये किसकी कॉल आ गई, ये क्या सिमियन की कॉल है ये तो। अरे इतनी शहर में मुसीबत पड़ी हुई है और सिमियन ने अभी कॉल करनी है। अरे हाँ बोल सिमियन। फ्रैंकलिन मेरी बात सुनो, मुझे पता है तुम स्पीकर आयरन मैन बन चुके हो और तुम्हें पैसों की काफी सख्त जरूरत है, मैं तुम्हें लोकेशन भेजता हूँ, अगर तुम वो गाड़ी ले आते हो तो मैं तुम्हें मुंह मांगे पैसे दूंगा। ओके गाइस पता नहीं ये अंदर की खबर इसे कौन बताता है। ओके ठीक है लोकेशन भेज दे, मैं उस गाड़ी को ले आऊंगा। गाइस मुझे लोकेशन तो मिल चुकी है, ये भेज दी सिमियन ने लोकेशन, हो तो इसी साइड पर है, अब मुझे भाग कर जाना पड़ेगा कहीं पर। सेंचन चोप, पोप, राजी और जग्गू, इन पांचों में से तो कोई नहीं बता रहा। गाइस वो तो अपने साइकिल के चक्कर में थे, क्योंकि सिमियन ने वादा किया होगा उनसे, इसलिए वही बता रहे हैं ये अंदर की बातें। तो गाइस मैं पहुंच चुका हूँ, सामने की तरफ तो एक गाड़ी खड़ी है। गाइस मेरे ख्याल में यही वो गाड़ी है, तो जल्दी से मैं इस गाड़ी को चुरा लेता हूँ। सामने की तरफ तो हल्क भी खड़ा है। अरे हल्क तो शहर को बचाने के लिए निकला था, ही अपनी गाड़ी के पास क्या कर रहा है। लेकिन गाइस इसे बेहोश करके ना मुझे लगता है ना ये गाड़ी लेकर जानी पड़ेगी। ओके क्या ही खतरनाक किस्म की रस्सी डाली इसके गले में मेरे। अरे कौन है, छोड़ो, अरे छोड़ो मुझे, अरे मेरा सांस रुक रहा है, छोड़ो। इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ने वाला। ओके क्या ही घुमा कर फेंका मेरे। गाइस हल्क तो बेहोश हो चुका है, और ये रही इसकी गाड़ी। जल्दी से इसकी गाड़ी के अंदर बैठ कर निकलता हूँ मैं। फाइनली अमेजिंग गाड़ी है, भागने में तो काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन लुक इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। लेकिन सिमियन को पता नहीं क्या पसंद आया इस गाड़ी के अंदर, अब वो ही बताएगा। अब मुझे जाना पड़ेगा जल्दी से। फाइनली गाइस गाड़ी भगा कर तो मैं पहुंच चुका हूँ, सिमियन की शॉप सामने रहे। जल्दी से एंटर करते हैं सिमियन की शॉप के अंदर। ओके सिमियन ये रही वो गाड़ी जिसके बारे में तू बोल रहा था। बहुत अच्छे, तुमने तो ये गाड़ी मुझे दे दी है, अब ये लो $1,000,000 जो मैंने तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है। ये क्या सिमियन, तू तो कह रहा था मुंह बोली कीमत मांगूंगा वो देगा मुझे। इस गाड़ी के इतना ही मिलेंगे, वरना तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। गाइस ये तो काफी ज्यादा चालू निकला, अपना काम निकलवाया, और गाइस उसके बाद ना देखो कैसे बदल गया ये। ठीक है $1,000,000 भी काफी है, वैसे भी सिमियन हमें काफी ज्यादा पैसे देता है। तो गाइस मैं जंप करता हूँ, अरे क्या ही खतरनाक जंप किया, और सामने वाली बिल्डिंग के ऊपर। तो गाइस अब मुझे लगता है स्पीकर आयरन मैन का नेक्स्ट सूट बाय करना पड़ेगा। आप लोग
टॉक रेडियो मेरे साथ। गाइस क्या ये अमेजिंग सूट है, ये सूट भी मैंने बाय कर लिया। और गाइस स्पीकर आयरन मैन के स्पीकर कितने ही ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं, इन सब से तो सारी पावर निकलेगी। अब एक एक करके सारे बारे जाएंगे ये लोग। गाइस मुझे जाना पड़ेगा, क्या स्पीड से मैं फ्लाई कर रहा हूँ। गाइस स्पीकर आयरन मैन का ये सूट काफी ज्यादा पावरफुल है, अब मुझे जाना पड़ेगा। ये मैं क्या देख रहा हूँ, सामने की तरफ तो मैं पहुँच चुका हूँ, सामने इतने ज्यादा स्किबिडी टॉयलेट है। गाइस लगता है ना इन्हें एक एक करके सबक सिखाना पड़ेगा मुझे। तुम लोग रेडी हो जाओ बचने नहीं वाले, क्या ही खतरनाक तरीके से मैं मार रहा हूँ इन सबको। गाइस सारे के सारे तो मारे जा चुके हैं, क्या ही खतरनाक लेजर निकल रही है गाइस इन स्पीकर से। इस स्पीकर आयरन मैन की पावर काफी ज्यादा है, सारे के सारे स्किबिडी टॉयलेट मैंने ढेर कर दिए। अब इस साइड से भाग कर जाना पड़ेगा, इनको तो मेरे उठने का मौका भी नहीं दिया। ये क्या सामने की तरफ अभी और भी है जो भाग रहे हैं, ये क्या, अरे भाग कर कहां पर जाते हो, बच नहीं पाओगे तुम लोग। गाइस क्या ही अमेजिंग तरीके से मैं इन्हें मार रहा हूँ, ये तो साइड पर जा रहे हैं, मारेंगे ये सारे के सारे। ये रही मेरी पावर जो के काफी खतरनाक है। गाइस टोनी ने इसी के बारे में बताया था, सामने से आ रहा है पांच सर वाला स्किबिडी टॉयलेट। हम मजा आएगा, तूने मुझे ढूंढना था, ढूंढ लिया। स्पीकर मैन तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, मैं पावरफुल से कई गुना। गाइस ये क्या, ये तो मुझे मार रहा है। अरे गाइस इसके अंदर तो पावर है, अब मेरे पंच शुरू हो चुके हैं, मेरे पंच खा काफी पावरफुल। इतनी आसानी से तो मैं इसे नहीं जाने देने वाला, क्या ही जोरदार मार रहा हूँ मैं इसे। गाइस पटक पटक कर उठा उठा कर फेंकूंगा मैं इसे। गाइस ये मारा गया तो शहर के अंदर स्किबिडी टॉयलेट थोड़े बहुत कम हो जाएंगे। ये क्या गाइस आप लोग देख सकते हो, इस स्पीकर में से क्या ही खतरनाक लेजर निकल रही है, और ये लेजर इस पर पड़ रही है, और ये पावरफुल पंच मारना पड़ेगा मुझे। लगता है ये पड़ा हुआ सामने की तरफ, अरे पांच सर्वर स्किबिडी टॉयलेट को मार डाला गाइस। ये है गाइस स्पीकर आयरन मैन की पावर, अब काफी पावरफुल पंच इसे पड़ने वाला है। ये ले पावरफुल पंच। गाइस इसके मंडी से मैंने पकड़ लिया है, इसके मंडी से उठाकर मैं उस जगह पर फेंकूंगा जहां से कभी वापस नहीं आ पाएगा। गाइस ये उठाया और ये मैंने फेंक दिया इसे, अब ये वापस नहीं आ पाएगा। लेकिन आस्ता आस्ता करके मुझे सारे शहर के अंदर से स्किबिडी टॉयलेट को खत्म करना है। तो गाइस आप लोगों को स्पीकर आयरन मैन का सूट कैसे लगा कमेंट सेक्शन में बताओ। गाइस अपने एरिया में जितने भी स्किबिडी टॉयलेट थे सारे मारे जा चुके हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, और चैनल पर न्यू थे तो सब्सक्राइब। मैं तो जा रहा हूँ टोनी के पास। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, टेक केयर, बाय बाय।